हाजिर महफिल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल-शिफा एजुकेशनल अकेडमी और प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर यूसुफ मिंटो, हिना खान, निशात फातिमा, मैनेजर स्कूल की, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने सीने में वो दर्द लिया, वो वाकई आज कम्युनिटी के एक एक इंसान के सीने में वो दर्द है। और वो ये दर्द है कि कैसे हर एक घर से एक एक बच्चा तालीम हासिल करे, उसको अच्छी तरबियत दे। इस दर्द के साथ आपने यहाँ पर अल-शिफा एजुकेशनल एकेडमी खोला। आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने एक अच्छा कदम उठाया। और मैं ये मानता हूँ कि आज तालीम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कल को ये बच्चे क्या कर रहे थे, अगर इस पर गौर करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये अपने घरों में खेलकूद रहे थे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनके माँ बाप इन बच्चों को काम पे भेजने के बारे में सोच रहे होंगे कि अब बच्चे की उम्र हो गई है 7-8 साल, अब इसको कहीं काम पे लगा दिया। लेकिन आपके स्कूल ने, छोटे से स्कूल ने, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर